हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भजनी ठेके में कुछ प्रकार ऐसे बचते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना। भजनी ठेके में कुछ प्रकार आगे के जो ऐसे बचते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि क्या मैं आप बताने वाला हूँ, और नए हैं जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो वहाँ पर एक वाइट कलर का बटन है या ब्लैक कलर का, आई डोंट नो, वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो मुझे खुशी होगी, और फिर देखिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करके। भजनी ठेका है ना, और ये बिगनर्स के लिए, मैं बिगनर्स के लिए ही बनाता हूँ, और ये खासकर उन्हीं के लिए है। प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को ना देखें जो जानता है तबला, जो बहुत अच्छा बजाना जानता है। बस ये बिगनर्स के लिए मैं बनाते रहता हूँ, और बिगनर्स खासकर उस चीज़ को ज़रूर सीखे जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करें। भजनी ठेका है ना, भजनी ठेका में प्रकार, भजनी ठेका, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका दाब गांस का किस तरह से मैंने बताया है, और आज हम प्रकार की बात करेंगे, और बहुत खूबसूरत प्रकार बताऊंगा मैं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, और वो प्रकार आप बजाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले ठेका, फिर उसके बाद प्रकार, दो प्रकार बताऊँगा, दोनों आपको ध्यान से देखिए, है ना। चलिए आइए। तो देखिए मैंने क्या क्या किया। पहला प्रकार, है। अब दूसरा क्या, अब देखिए बोल बड़े सरल है, बोल बड़े सरल है। अब शुरुआत ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर ठीक है। अब आपको पकड़ना क्या, आपको पकड़ना सिर्फ नग दिन, बस यही चार वर्ण। अब ये बजेगा का, शुरू से ही बजा दीजिए इसको। पहला आवर्तन आप लेंगे, जो भजनी ठेका है। अब उसके बाद जब दूसरी बार बजाएंगे, अब धीरे 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 उल्टा उल्टा बजेगा, धीरे, ठीक है, ये हो गया। अब न ग, ठीक है। अब देखिए नग धिन धी ना ना, धे धे नग धिन धे टे धे टे न ग धिन धी ना ना, बस यही है। अब जो धिन ना धिन, ये जो बजता था शुरू में भजनी ठेके में, आपको इसकी जगह धनक धिन ये बजा देना। तो धे टे धे टे न ग धिन, है ना। अब धटे धटे नग धिन हो गया, फिर धी ना ना, ये पहला पार्ट हुआ का वाला। अब खा वाला, फिर खा वाले में भी सेम एज इट इज, ये धटे धटे नग धिन ती ना ना। अब वो नग आ रहा था वहां पर, नक तिन ती ना ना, बाकी रहेगा वो धीटे धीटे नक तिन नक तिन, समझ गए। जो तबला थोड़ा सा जानता है उसको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से देखिए, धे टे धे टे दो बार बजेगा, धेटे धेटे न ग धे
है ना। फिर से ना ग धिन। अब ये इसकी खूबसूरती कैसे बनी, डटे नग धिन। और रियाज कैसे करोगे, डेटे तेटे नग धिन धी ना ना डटे तटे नग धिन। अब मुझे कॉपी कर दीजिए, डटे तटे नग धिन धी ना ना डटे तटे नग धिन धी ना ना डटे तटे धी ना ना डटे तटे नग धिन। ठीक है, पहला वाला धेटे धेटे नग धिन बोल ये है, धेटे धेटे नग धिन, फिर धी नाना धेटे धेटे नग धिन ती नाना। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा प्रकार क्या है, तेरे केटे नग धिन धी नाना तेरे केटे नग धिन ती नाना। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर बस तिरिकिट लगा देना है आपको, बाकी सब एज इट। तेरे केटे नग धिन तेरे केटे नग धिन धेटे धेटे नग धिन, इसमें धेटे तेटे तिरकिट ही लगेगा, बाकी नग धिन इसको बस पकड़ लीजिए आप, नग धिन धी नाना नग धिन ती नाना नग धिन नग धिन ती नाना, जो कि एज इट इज है, जो कि वही बज रहा है, सेम बज रहा है, बस आपको पकड़ना धेटे तेटे धेटे तेटे नग धिन धेटे तेटे पकड़ना है और तिरकिट पकड़ना है। तो तिरकिट नग धिन धी नाना तिरकिट नग धिन ती नाना, है ना। अब इसमें एक और खूबसूरत पार्ट है, दो बोला था लेकिन तीसरा, धिन नग धिन धी नाना धिन नग धिन धी नाना धिन नग धिन धिन नग धिन धी नाना धिन नग धिन धिन। अब धिन गिन नग धिन धी ना गी ना नग धिन, तीसरा प्रकार धिन गिन नग धिन धी नाना धिन नग धिन धिन नग धिन नग धिन। तो ये वाला, इसका मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकार में से एक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और प्रयास कीजिए। मैं फिर से भजनी ठेका कैसे बजता है देखो, मुझे कॉपी कीजिए, बता रहा हूँ, पहले बजे हिस्सा दे के यहाँ लाइए, फिर नाधिन। अब नाधिन बजाते समय धिन को पीछे खींच देना है, फिर धी नाना। अब धी नाना कैसे कि धी नाना खुला धी नाना, ठीक है, पहला पार्ट। अब दूसरा वाला क्या हुआ, धिन्ना तिन ती नाना, मुझे कॉपी कीजिए बस, धिन्ना तिन बज गया धी नाना, फिर इसका धिन्ना तिन ती नाना, बस इतना ही था। अगर ना आए या ना बने तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। और बाकी तो है, चल ही रहा है बस। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था।